साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्हें डीप फेक का नाम दिया गया है। सोमवार यानी कि 6 नवंबर को रश्मिका ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सारा पटेल के वीडियो पर उनका चेहरा लगाकर वायरल किया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीप फेक वीडियो गलत सूचना फैलाती है, ऐसी वीडियो को लेकर सोशल मीडिया कंपनी को जवाबदेही देनी होगी। वहीं अमिताभ बच्चन ने भी कार्यवाही की आवाज उठाई थी। रश्मिका के डीप फेक वीडियो को वायरल हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कैटरीना कैफ की डीप फेक पिक्चर उनकी हाल ही में मूवी टाइगर 3 से वायरल हो गई। रश्मिका के बाद कैटरीना भी इस चीज का शिकार हो गई। ऐसे में काफी लोगों के मन में सवाल होगा कि डीप फेक आखिर होता क्या है, ये क्या तकनीक है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको पहचानने का क्या तरीका है। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, डीप फेक के बारे में बताए, इसमें तस्वीर और वीडियो दोनों हो सकती है। इस तरह की तस्वीर और वीडियो को स्पेशल मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिसे डीप लर्निंग भी कहते हैं। डीप लर्निंग में कंप्यूटर के अंदर दो वीडियो या फोटो दिए जाते हैं, जिन्हें देख कर वे खुद ही दोनों वीडियो या फोटोज को एक जैसा बनाता है। ये ठीक उसी तरीके का है जैसे बच्चा किसी चीज की नकल उतारता है। इस तरह की वीडियो में हिडन लेयर्स होते हैं, जिन्हें सिर्फ एडिटिंग सॉफ्टवेयर द्वारा ही देखा जा सकता है। एक लाइन में कहा जाए तो डीप फेक रियल इमेज वीडियो को बेहद रियल तरीके से फेक बनाता है। ऐसे में डीप फेक वीडियो और फोटोज फेक होने के बावजूद भी रियल नजर आते हैं। अगर और सरल भाषा में आपको बताएं तो डीप फेक एक एडिटेड वीडियो होती है, जिसमें किसी और की वीडियो पर किसी और का चेहरा लगाया जाता है। ये वीडियो इतनी सटीक मानी जाती है कि आसानी से इनमें फर्क करना मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पर आप रश्मिका की लेटेस्ट वायरल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ज़ारा पटेल की वीडियो के ऊपर उनके चेहरे को लगाया गया है। वहीं अगर सारा पटेल का असली वीडियो सामने नहीं आता तो कोई इस बात पर यकीन नहीं करता कि ये वीडियो रश्मिका का फेक वीडियो है। इस तरह की वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके साथ ही बता दे कि डीप फेक दो नेटवर्क की मदद से बनाई जाती है, जिनमें इनकोडर होती है और दूसरा डिकोडर नेटवर्क होता है। इनकोडर नेटवर्क सोर्स कंटेंट को एनालाइज करता है, फिर डाटा निकाल के डिकोडर नेटवर्क को भेज देता है, जिसके बाद फाइनल आउटपुट बाहर निकल आता है। लेकिन असल में ये असली नहीं होता, इसके लिए सिर्फ एक वीडियो या तस्वीर की जरूरत होती है। वही बता दे कि डीप फेक के लिए कई वेबसाइट्स और ऐप को भी बनाया गया है, जो इंस्टाग्राम पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का भी डीप फेक किया गया था। अगर आप भी डीप फेक वीडियो या तस्वीरों को पहचानना चाहते हैं तो ये आपके लिए आसान नहीं होगा। इन्हें पहचानने के लिए आपको वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखना होगा, खास तौर पर चेहरे के एक्सप्रेशंस को, आंखों के मूवमेंट्स को और बॉडी स्टाइल को। इसके अलावा बॉडी कलर भी इसकी पहचान करने में मदद कर सकता है। आमतौर पर ये वीडियो सिर्फ चेहरे को बदलता है और बॉडी को बिल्कुल नहीं बदलता। इसके अलावा लिप सिंक से भी इस तरह की वीडियो को पहचाना जा सकता है। वही खुद की समझ से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सी वीडियो असली है और कौन सी नकली। दोस्तों, अगर आप भी सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो को मजाक के तौर पर अपलोड करते हैं तो आपको इसके खिलाफ सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने पर IPC की धारा के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपने किसी इंसान की इमेज खराब की है तो आपको मानहानि के मामले का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ भी IT नियमों तहत कार्रवाई की जा सकती है। शिकायत की बात करें तो 36 आवर्स के अंदर सोशल मीडिया कंपनी और प्लेटफॉर्म को कंटेंट हटाने की भी डिमांड होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डीप फेक वीडियो क्या होते हैं और उसे पहचान कैसे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।